दूररु देखा जाउथिबाय ज्वालामुखीर ना होची कलामुखी। एही ज्वालामुखीर आखपाखरे बहुत गाँ अछि। सेही सबु गाँ मानक भितरु सबुठु बड़ गाँ ना उज्ज्वलपुर। एही गाँर मुखियांक ना होची रंगनाथ बाबू। बहुत भल लोक आउ सरल स्वभावर। बहुत वर्षरु रंगनाथ बाबू आउ तांको पूर्वज माने संपूर्ण गाँ को रक्षणाबेक्षण करुथिले। किंतु ए उज्ज्वलपुर गाँव भी गोटे मान्यता अच्छे। प्रति वर्ष आषाढ़ मासर अमावास्या दिन सबु गाँ लोक संपूर्ण दिन उपवास कर संध्या समय रे बाजा बजे बाण फुटे समस्त लोक जंगल मार्ग दे कलामुखी पर्वत रे जाई विशाल बासन रे हलदी कर्पूर मिश्रित पानी पकाते हे कालमुखी शांत हुआ शांत हुआ हे कालमुखी शांत हुआ शांत हुआ। कर्पूर हलदी मिश्रित पानी से ज्वालामुखी पकेला परे गाँर कौन सी अनिष्ट होबना एपरी गाँ लोकंर मान्यता थिला। ज्वालामुखीर तले खगोला नामक भगवान मूर्ति थिला। से मूर्ति पाखरे प्रत्येक गाँ लोक निज निज घर आणुवा गोटे गोटे लेंबू को प्रसाद रूप से रखी कंसईर आसवर प्रतीक्षा कले। अधा राति परे कंसई निज हाथ में बली दबापाई गोटे नवजात शिशु को पिंजरा भितर भरी समस्त गाँ लोक आगे से ज्वालामुखी से पकई दे। नवजात शिशुर से ज्वालामुखी चित्कार जितेबले बाहर शुणा जाता मन भितर ता आंदोलित हो जाता। सबु ग्रामवासी आखिरे लुह भरी ए सबु जिनस देखुले किंतु से चाहिए भी किछि करि पारु नथिले। ज्वालामुखी भितर छुआर कांद बंद हेबा परे ही सबु गाँ लोक निज निज घर को पुणी फेरी गले। एही परंपरा पाखापाखि 600 वर्ष हेलानी एही गाँरे एमती चलुची। बहुत लोक माने ताको अटकेबाकु चेष्टा मध्य कले किंतु से सबु लोक अकाल मृत्यु को प्राप्त होइगले। किंतु न चाहे कि भी मध्य ग्रामवासी मानंकु एही खराब परंपरा को न मन को मानिबा मात्रे भी अपनेबाकु हेला। एहा मध्यरे गोटिए दिन प्रधान बाबू आसुथिबा मासर आषाढ़ अमावस्या अछि कोनोसी छुआ को आनिबा को पड़िबो। हां सब बेले जेमिति करूछ निज लोक मानंकु नै कि अन्य गां को जाय कि गोटे वर्षर छुआ को नै आसीबो आ देखिबो कि ए जेमिति न जानु जदि भी के धरि देला ताहले निज गां कथा कहिबनी प्राण दे देबी हेले गां ना कहिबिनी। हेले प्रधान बाबू आमे माने एमिति रे भी ए काम केते वर्षरु करि आसुछु आपण चिंता करिबेनी काम सारी के आमे फेदी आसीबा। अच्छा हो हेले जीबा अगरे काल नेत्र गुरुंक आशीर्वाद नै कि जीबा से कहिबे कोठी जीबार अछि। अच्छा हो प्रधान बाबू आमे आसुछु। काल नेत्र संपूर्ण गां को दिगदर्शन करैबा बालाई गोटिए लोक थिला। तांको न कहिके गाँर लोक कौनसी काम करूनथिले। कालनेत्रा ज्वालामुखी पाखरे ही गोटे सुनसान गुंफारे रहुथिले। खगोली देवतांक पाखापाखि ही रहुथिले। कंसई निज सहयोगीक सह कालनेत्रांक पाखकु पहुँचिला आउ सेठी कहिला जे बळीपाई बाळकंकु केमिति निया जाउछि। एथरे पश्चिम दिगकु जाओ आउ हाँ गोटे राशि रे जन्म होइथिबा छुआ माने काम रे आसिबेनी ताकु भूल रे भी आनिबनी। ए निय मंत्र रु तयारी होइथिबा पानी आकु से छुआ मुह रे पकेले से छुआ पाटी करिबनी आउ सी सोई पड़िले तमे माने ताकु ने के आसी जिवो। अच्छा हो मुनिबर ठीक अछि कहि से माने पश्चिम दिग आड़ को बाहरिले। राति हेबा परे गोटे गाँ रे से अटकी गले आउ गाँ रे छुआ खोजिबा आरंभ कले। गाँर सबु लोक गभीर निदरे थिले। सेही समय रे घरु छुआ कांदिबार शब्द आसिला।
अरे एटा तो पुओ एठी किए नाहंती जाए शीघ्र जाए कि आकु ने कि आसे एपरी कही काल नेत्र देथिबा जळ को छुआ मुहरे पकेबा परे छुआर कांदो अटकी गला आउ कौनसेई निज सहयोगीक सहित पिठीरे छुआटी को बांधि पळेला एई सबुठारु अजणा हे छुआर मा शांति छुआ पई रोसेई घरे खीर गरम करूथिला अरे मो धनकणा जी कांदीबा बंद कर देला शांति संदेह करी घर भीतर को गला आउ देखिला दोळी रे छुआ ही नाही से दौड़ के बाहर को जाई देखिला तेबे घन अंधार रे तीनी जण लोक छुआ को नै चली जाउथिले मो पु मो पु रुह रुह मो पु फेरे दियो बंचाओ बंचाओ अरे कलु ता पार्टी सुन की गां लोक माने आसी गला हमें माने समस्त मरिबु जा जाय की ताकू मारी पकारे कलु दौड़ी जाय शांति को सेठी मारी देला बिचारा शांति ना छुआ को बंचे पारिला ना निजे बंची पारिला कंसे निज साथी सहित निज गाँ को फेरी गला छुआ को लुचे की गोटे वृद्धा वयस्क स्त्री लोक पाखे छाड़ी कांदनी रे पुओ कांदनी एई माने तते आषाढ़ अमावास्या रे आगोली को से माने बलि देबे सेई पर्यंत मो सांगरे ही रहिबाकु हब दिन बीती जाउथिला आउ से पटे अकाल मृत्यु कारणरु शांतिर आत्मा निज छुआ को डाहाणी साजी जंगल रे खोजुथिला किए मो छुआ को देखी जगे मो छुआ को देखी जगे मो छुआ एही भली किछि मास परे आषाढ़ अमावास्या दिन पुणी थरे गाँवर समस्त लोक बाजा बजे बाण फुटे कि ज्वालामुखी पाखकु गले कंसे हाथरे छुआ थिला आउ से छुआर क्रंदन संपूर्ण जंगल रे शुभुथिला जंगल रे बुलुथिबा से प्रेतात्मा को तार छुआर क्रंदन रो शब्द सुना गला सेठी सेठी मो छुआ आसुची बाबू मु आसुची तो पाखु को एती की कहिबा मात्रे शांति रो आत्मा सेठी को बहुत जोरे आगु को बढ़िला किंतु गाँ पाखरे थिबा से रक्षा कवच को से पारी करिपारिला आउ एपटे सबु गाँ लोक कर्पूर आउ हलदी पा ज्वालामुखी पकेला परे शांत हुआ शांतिर प्रेतात्मा सामनारे ही कंसे छुआ को ज्वालामुखी पकई देला सबु देखिला परे शांतिर प्रेतात्मा रक्षा कवच पार करि पारलानी दूररु देखि से बहुत कांदिला हे भगवान मारि देले मो छुआ को अरे दुष्ट लोक माने मु तम मानको जमा छाड़ी तम समस्त अंत हब इतिमध्यरे जंगल रास्ता दे जाउथिबा गोरखनेत्र को शांति कांदिबार शब्द सुना गला ये तमे ए जंगल रे तमे काई की कांदु छ एति की सुनिबा मात्रे शांतिर आत्मा गोरखनेत्र को सामना को आसी कहिला कोन अपन मते देखि परिबे मोर शब्द सुनि परिबे मु गोटे ऋषि मु गोटे तांत्रिक मु भूत मानुकु देखि पारुछि आ कथा हे पारुछि एमिति शक्ति मो पाखरे अछि मो ना हेला गोरखनेत्र तमर कोन कष्ट तमे मते कहि परिबो शांति सब कथा तांत्रिक आगरे कहिला आ तांकठो सहाय्य मागिला उज्जवलपुर ज्वालामुखी देखो शांति सेटा गोटे अभिशापित ज्वालामुखी तमे सेठी जाय पारिबनी सेठी जीवा भारी कष्ट तेबे स्वामी जी
ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବିନି? କ'ଣ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପୁର ଉପରେ କାଲନେତ୍ରର ଛାୟା ଅଛି, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ ବନେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପାର କରିକି କୌଣସି ବି ଭୂତ ଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ କିଏ ଯଦି ସେ ମୁନିଙ୍କ ପୂଜା 169 ଦିନ କରିବ, ହେଲେ ତମେ ସେଇଠି ଯାଇପାରିବ। ସେ ଉପାସନାକୁ କେମିତି କରାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଜମଲିକା ମୂର୍ତ୍ତିର ଉପାସନା ପରେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପୁର ରକ୍ଷା କବଚକୁ ପାର କରି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲା। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ସିଧା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଭରିଥିଲା। ଆଉ ଗଭୀର ଭିତରେ ଯିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ଛୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଏତେ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇଗଲା। କିଏ ଇଏ ଏତେ ନିରୀହ ସରଳ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି? ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଏତିକି କହି ଅଜମଲିକା ଉପାସନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ତା ଆତ୍ମା ହଜାରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ବଦଳି ଛୁଆଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ମିଶିଯାଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସେହି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ଏହିଭଳି ସେ ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମାରିକି ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କମିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଗାଁରେ ସକାଳେ କେବଳ ଶବ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖି ଗାଁର ମୁଖିଆ ରଙ୍ଗନାଥ ଦୌଡ଼ିଯାଇ କାଳନେତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଗାଁରେ ହେଇଥିବା ସବୁ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଲା। କ'ଣ ଛୋଟ ରାକ୍ଷସ, ଖାଗୁଲି ଥିବା ପରେ ଛୋଟ ରାକ୍ଷସ, ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି କହି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜାଦୁଇ ଆଇନାରେ ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମାର ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆତ୍ମାମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପ୍ରୀତଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବା ଯାଏ ଘରରୁ କିଏ ବାହାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ରହିବେ। କାଳନେତ୍ର କହିବା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଆଗରେ ଲୁଣ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଘରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା ହଜାରେ ଶିଶୁ ଦଳରେ ବଦଳି ଛୁଆଙ୍କ ହାଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଛୁଆ ପ୍ରେତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗାଁର ଘର ଅଗଣାରେ ଲୁଣ ରହିବା କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଭୂତ ପୁଣି ଥରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କାଳନେତ୍ର ଗଖୋଲିର ଉପାସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କୁହ ଖାଗୋଲି କୁହ, ଏତେ ଶକ୍ତ ରକ୍ଷା କବଚକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ କେମିତି ପଶିଲା? ବଜମୁଲି ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରେତାତ୍ମା, ତୁ ଯଦି ଏ ଗୁଫାରୁ ବାହାରେ ଗଲୁ ହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ମୋ ଗୁଫା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେନି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରି ପାରିବିନି? ତାର ଶକ୍ତି ଖାଲି 169 ଦିନ ହିଁ ରହିବ, ତାପରେ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ।
सेते दिन जाए गुफार कबाट बंद रखिबु, नहले तोर मृत्यु निश्चित। खगोली कहिबा अनुसार गुफा बंद करी काल नेत्र उपासना करिबा आरंभ कला। गाँ लोक जेतेबेले साहाज्य मागिबाकु काल नेत्र पाखकु गले, तेबे गुंफार द्वार बंद देखि समस्ते आश्चर्यचकित हेले। आम गुरु आत्मारु डरी कि निज कबाट बंद करि दे छंती, एबे आम मानुकु किए बंतेबा। आउ एही भली प्रेतात्मा डररे सबु लोक गाँ छाड़ी कि चली गले। आ मझी जंगल रे से लोक मानकर देखा गोरखनाथ तांत्रिक सहित हेला। आउ मुखिया तांकु सबु कथा कहिले। मोते तम गाँ को नहीं चल, मु तम मानकु सहाय्य करी। मध्यरात्रि समय रे सबु गाँ लोक भयभीत थिले, किंतु गोरखतांत्रिक निज मंत्र साहाय्य रे गाँर रक्षारे लागिगला। गाँरे प्रवेश करुथिबा छोट छोट भूत मानकु गोरखतांत्रिक अंत करिबारे लागिगले। से भूत मानकर संख्या बढ़ुवार देखे से आश्चर्य होगले। एटा आश्चर्य कथा, एत बड़ आंजलिका मंत्र भी कम को आसुनी ए छोट छोट प्रेत मान। से मंत्र दंड को हाथ बालिका बालिका वज्रम बालिका जबालिका वज्रम त्वशोहम बलिका शक्ति अवाहम। एई अग्नि वर्षा रे सबु छोट प्रेत माने भस्म हो गले। समस्त आत्मा पवन रे मिसी गोटिए आत्मा रे सम्मिलन हे शांति रूप को आसी गले। गुरुजी आपण उठी जांतु, दया करिकि मते मुक्ति दियंतु। ए संपूर्ण गा लोकंकु मारिबा परे ही मो आत्मा को शांति मिलिबो। शांति सुण, ए गाँ लोक माने निर्दोष, एमानंकु किछि जणा नाही। एमाने से खराब तांत्रिक को सुनिकि गोटे छुआ को बळि देबाकु पड़िब, एमिति अंधविश्वास को मानुछंती। कण ए लोक माने होजंती निरीह? एमाने सब मणिष रूपरे राक्षस। छुआंकु बहुत दूररु आणि ज्वाळामुखीरे पकेई छुआंकु एमाने मारि दउछंती। आउ आपण ए लोक मानंकु निरीह केमिति कहिपारिबे गुरुजी? सुन शांति, असल रे 600 वर्ष पूर्वरु ए ज्वालामुखीरु हठात आगि बाहरिबाकु आरंभ हेलाणि। गाँ लोक माने निजर जीवन को रक्षा करिबा पाए पळौथिले। ज्वालामुखीर पाखरे थिबा 30टा गाँर लोक माने से गाँ छाड़िबा पाए प्रस्तुत थिले। ज्वालामुखीरु बाहरी थिबा से लाभारु गोटे गुफा भितरे टिके टिके हेकि जमा होउथिला। आउ से गभीर गुफा भितरे गोटे वर्ष परे पाताल लोकरे रहुथिबा गोटे डाहाणीर आत्मा को बंद करिकि गोटे बड़ लुहा बक्सरे बंद करिकि एठी पकेइ देइथिले। हेले से बक्स उपरे बार बार लावा पड़ुथिबा बेले ता भितरे छिद्र होइ जाए। तापरे से आत्मा सेठी बाहरी जाए। से आत्मा एमितिरे भी शरीर आ वायु खोजुला। से बंचिक रही गोटे बस छोट छुआर आत्मा को खाई से बंचुची। से तम कालनेत्र से बक्सु बाहरी आत्मा उपर बुड़ा तम कालनेत्र लावारे पड़ी जाए गोटे छुआ थे मुते गोटे शरीर मिलगला। आ मत जदि ए शरीर दरकार हेले प्रत्येक 806 दिन पर गोटे नुआ जन्म होता छुआर आत्मा को मत खाइबा को पड़ब। आई गाँटा ही भल। आई काल नेत्र निजर मंत्र बल ज्वालामुखी बाहर अग्नि बदल पा भर्ती कला। संपूर्ण ज्वालामुख हो गला। तुम मानू चिंता करार दरकार ना, मोबा बेले गाँ को किसी हबनी, मु रक्षा करिबी गाँ को। हेले तुम मानू मो कथा सुनिबा को पड़िब। आपण जेमिति कहिबे आमे सेमिति ही करिबु। जय कालनेत्र जय कालनेत्र जय कालनेत्र।
ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ବଳି ଦେଇକି ଏ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କରାହୁଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଉଥିଲା କାଲନେତ୍ର। ଛୁଆ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିକି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗାଁର ସୀମାକୁ ପାର କରିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାଲନେତ୍ରର ରକ୍ଷା କବଚକୁ ପାର କରିକି କିଏ ଯଦି ପଳାଏ, 6 ମାସ ପରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ନ ଚାହିଁକି ବି ଏମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳନେତ୍ରର କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେବ ଗୁରୁଜୀ? ଏଇ ନିଅ ମୋର ଜାଦୁ ଦଣ୍ଡକୁ ରଖ। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ସେ ସୁରଙ୍ଗ ଭିତରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ରାସ୍ତା, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତମେ। ଗୋରଖ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମନ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କାଳନେତ୍ରର ବଦ୍ଧ କରିଦେଲା। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ବି ଜାଣୁନଥିଲୁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? କାଲନେତ୍ର ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଜଣ ଭାଇ। ସେ ରାତିରେ ବକ୍ସରୁ ବାହାରିଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହେଲି ମୁଁ। ଆଉ ମୋତେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବାର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲନେତ୍ରରୁ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇକି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଭାଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ମୋର ବି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସେ ମରିଗଲା ହେଲେ ମୋର ବି ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 806 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ପ ନିଜ ଚମଡ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଉଥାଏ, ସେ ସେମିତି ହିଁ ବୃଦ୍ଧ ରୂପଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଯୁବକର ରୂପ ଧରିଦିଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାଲନେତ୍ରରୁ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 400 ବର୍ଷରୁ ଆଜମଲିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ପୂଜା କରିକି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଏ ଜାଦୁଇ ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ହିଁ କାଳନେତ୍ରର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଗୋରଖ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହୋଇ ପବନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ଶାନ୍ତିର ଆତ୍ମା ସହିତ ନିଜ ଛୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପବନରେ କେଉଁଠି ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ।